स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 380 से 415 एडी तक का। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, आज हम चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। सो फर्स्ट पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम ऑफ विशाखा दत्त, समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय चंद्रगुप्त टू। अब जो विशाखा दत्त ने एक लिटरेचर लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, इस लिटरेचर के हिसाब से समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो देखिए, इससे पहले हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ा, फिर हमने समुद्रगुप्त पढ़ा, एंड दैट्स इट। तो हम समुद्रगुप्त से आगे चंद्रगुप्त टू पढ़ रहे हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम के हिसाब से समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू आते थे, बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, अब कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से स्टोरी कुछ अलग है, उनके हिसाब से जो समुद्रगुप्त के सक्सेसर थे वो थे रामागुप्त। ठीक है, रामागुप्त थे कौन एक्चुअल में? एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, इनके बड़े भाई थे रामागुप्त, तो कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से पहले वो राजा बने थे, बट लिटिल हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल। इनके बारे में अगर इतिहास के बारे में बात करें, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें जो है हमें अवेलेबल है हिस्टोरिकल प्रूफ के फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत कुवार थे। ठीक है, सो ही सरेंडर्ड हिज क्वीन ध्रुवा देवी टू द शाका इन्वेडर। शक इन्वेडर आए तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी रानी ध्रुव देवी को उन्हें दे दिया था डर के मारे। ठीक है, एंड रामागुप्त का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दैट ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर क्वाइंस। इकलौते ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर क्वाइंस इशू किए थे, तो ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलिए, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू आए थे, और जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाखा दत्त के, वो बोलते हैं कि नहीं, समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट जो है वो चंद्रगुप्त टू शासक बने थे। तो अब जब ऐसा हो गया, उन्होंने अपनी वाइफ को जो है, अपनी रानी को जो है, जो ये शाका इन्वेडर थे, इनको दे दिया, तो इसके बाद चंद्रगुप्त टू बहुत ही अच्छे से मतलब सिचुएशन हैंडल करते हैं। वो क्या करते हैं, ही इन्वेडेड एनिमीज कैंप, वो जाते हैं जो इन्वेडर थे इनके एरिया में जाकर आक्रमण करते हैं, ऑक्यूपाइड द थ्रोन, जो इनका सिंहासन है उस पे खुद बैठते हैं, मतलब खुद राजा बनते हैं, इनको हरा देते हैं, एंड मैरिड ध्रुवा देवी, और जो अपने भाई की रानी थी, ठीक है, उनसे शादी करते हैं। ठीक है, ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। अब हम कहाँ पहुँच गए, अब हम फिर से चंद्रगुप्त टू के बारे में पहुँच गए, अब हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ही एक्सटेंडेड, हु, चंद्रगुप्त सेकंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय अ पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी प्लस वॉरफेयर प्लस मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मतलब उन्होंने ये पॉलिसीज अपनाई और अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। अ पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी, जैसे होते हैं ना इलेक्शंस आते हैं कि अच्छा जी आप बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को, तो हम क्या करते हैं, एक डिप्लोमेटिक सभी होते हैं, देखते हैं जो जीतेगा उसे भी देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। तो डिप्लोमेटिक होना होता है कि आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हो अपना जो भी आपका स्टैंड है। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया, वॉरफेयर, युद्ध करके, लड़ाई करके, है ना। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि इस स्टेट से मुझे मतलब पंगा हो सकता है ना, वहाँ से युद्ध हो सकता है, वो इन्वेड कर सकते हैं मेरे एरिया पे, शासक क्या करते थे, वहाँ के जो प्रिंसेस होती थी उनसे शादी कर लेते थे, फिर मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया, संबंध बन गया, तो कोई उन पर अटैक नहीं करेगा, तो इससे उनको सिक्योरिटी अलग मिलेगी उनसे, है ना, उनसे हेल्प अलग मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो एक्सटेंड किया, डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपना के, वॉरफेयर की पॉलिसी, एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस अपना के। ठीक है, अब देखिए, हम अभी तो हम चंद्रगुप्त टू पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने जब हमने गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट की थी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी कि फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त थे, फिर उनके बेटे आए घटोत्कच, फिर आए चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना। तो फिर हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से सोर्सेज के, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हाँ जो गुप्त डायनेस्टी है वो एग्जिस्ट करती थी। फिर हमने पढ़े उसमें लिटरेरी सोर्सेज, एपिग्राफिकल सोर्सेज, एंड न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। उसके बाद हमने पढ़ा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हैं, तो आप पहले वाली दो वीडियोस देखें, क्योंकि ये थर्ड पार्ट है गुप्त डायनेस्टी का जो हम पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप उसे देखें, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आए, तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हमने पढ़ा कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू उन्होंने अपना जो एरिया था वो एक्सटेंड किया। नाउ ही मैरिड कुबेर नाग, अब उन्होंने कुबेर नाग से शादी की थी, ऑफ नागा डायनेस्टी, जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, नागा डायनेस्टी से, एंड मैरिड हिज डॉटर, फिर उसके बाद उनकी जो बेटी हुई कुबेर नाग के साथ, कुबेर नाग और चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी हुई प्रभावती, इन्होंने इसकी शादी कराई रुद्रसेन टू से। रुद्रसेन टू कौन थे, विधि वकाटका प्रिंस, मतलब प्रभावती की शादी करवाई जो ये वकाटका प्रिंस थे रुद्रसेन टू, इनके साथ। अब इसके साथ क्यों कराई, इसका भी एक रीज़न है,
क्या रीजन है दैट रुद्रसेन टू ऑक्यूपाइड अ ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन दक्कन, जो दक्कन का पठार पड़ता है ना वहाँ पे साल्ट रॉक से बना है, साउदर्न इंडिया में है, कौन कौन से स्टेट्स का एरियाज कवर करता है सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं. तो जो दक्कन वाला एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन पे थे ये सिचुएटेड, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन टू से करवा दी थी. अब आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा. नाउ नेक्स्ट आता है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन. ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिली है? दिल्ली में मिली है. तो इसके हिसाब से एरिया यानी चंद्रगुप्त सेकेंड का कितना एरिया उनके अंडर आता था, कितने एरिया पे वो रूल करते थे, तो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वो सारा का सारा उनके अंडर था, प्लस अ गुड पोर्शन ऑफ बंगाल. बंगाल का भी सारा नहीं बट अच्छा खासा एरिया उनके अंडर आता था. ठीक है, फिर आता है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन. किसकी है? वीरसेन की है. ये आपको याद रखना है किसने की इशू की है, ये सब है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है जो कि वीरसेन की है, इन्होंने इंस्क्रिप्ट की होगी या करवाई होगी, इट रेफर्स टू हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड. इसके हिसाब से बोलते हैं कि वो पूरी दुनिया जीत चुके थे. कौन? चंद्रगुप्त टू पूरी की पूरी दुनिया जीत चुके थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हिज कोर्ट एट उज्जैन. उज्जैन में इनका दरबार था. ठीक है, वहाँ पे इनके टोटल 9 स्कॉलर्स थे जिन्हें नवरत्नास भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग कालिदास एंड अमर सिम्हा. इसमें कालिदास आते हैं, अमर सिम्हा आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. 9 के 9 मैं यहाँ लिख भी देती तो आप याद नहीं कर पाते, तो इंपॉर्टेंट अभी आप देखें. ठीक है, नाउ ये दो पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला है हरिसेन. हरिसेन कौन थे? हिज कोर्ट पोइट एंड मिनिस्टर. इनके मिनिस्टर भी थे, मंत्री भी थे, और दरबार में इनके पोइट भी थे, कवि भी थे. फिर आते हैं फाहियान. फाहियान के बारे में हम अभी फिर से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके अच्छे से, बट हल्का सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन थे, कहाँ से आए थे. द चाइनीज पिलग्रिम. चाइना से आए थे, पिलग्रिम थे. ठीक है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रियान. तो जब ये इंडिया में आए उस टाइम पे यहाँ पे चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे थे. ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है. थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें. मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से ये सारा कंटेंट लिया है, प्लस कुछ और भी सोर्सेज हैं, बट जो मेन सोर्स है वो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है. देखिए वो जो बुक है ना, मतलब एंशियंट एंड मिडाइवल के लिए वो बेस्ट मानी जाती है, और इनफ भी है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के हमें क्या करना है, हमें तो उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है ना. तो चलिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट. आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है. जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अपीयर हो जाएगा. वहां पर अगर अब आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, नोट्स मेंटेन करते रहे. नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन में, और मुझे पता है आप लोग वीडियोस देखते हैं बट नोट्स नहीं मेंटेन करते. नोट्स मेंटेन करना आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा. ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट आता है हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया. जो हमारा वेस्टर्न आप समझते हैं ना, पश्चिमी भारत है, उस साइड जाकर उन्होंने कौन कौन सी जीत हासिल की उसके बारे में पढ़ेंगे. बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो बस आप नोट्स बनाते रहें और मेरी कहानियाँ ये सुनते रहें, आपको बहुत अच्छे से सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट है द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. सबसे बड़ी विजय उनकी क्या थी? वॉर अगेंस्ट शक शत्रप ऑफ वेस्टर्न इंडिया. जो पश्चिमी भारत है वहाँ के शक शत्रप थे, इनके अगेंस्ट जो वॉर थी. अब इनके क्या थे? रुद्र सिम्हा थ्री, देयर लास्ट रूलर वॉज डिफीटेड एंड किल्ड. जो शक शत्रप थे इनके लास्ट रूलर थे रुद्र सिम्हा थ्री, जिन्हें चंद्रगुप्त सेकेंड ने मार दिया, हरा दिया और उनके सिंहासन पे खुद बैठ गए. ठीक है, नाउ इसकी जो ये शक सत्रप थे रुद्र सिम्हा थ्री, इनकी हार के साथ क्या होता है? वेस्टर्न मालवा और काठियावाड़ रीजन ये गुप्त एम्पायर में शामिल हो जाता है. ठीक है, देन आफ्टर हिज विक्ट्री, अब जब चंद्रगुप्त सेकेंड जीत गए तो उन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइस किया था एक. ठीक है, घोड़े के बलि दी होगी और उसके बाद टाइटल लिया सकारी का. सकारी का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, इनको हराने वाला सकारी, साका को हराने वाला सकारी, ऐसे ऐसे टाइटल्स वो लोग उस टाइम लेते थे. ही ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य. तो आप कुछ बुक्स में देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, उन्होंने ये टाइटल लिया था. ठीक है, हैंस वेस्टर्न बाउंड्री. अब इससे क्या हुआ? उनकी वेस्टर्न बाउंड्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई. जब उन्होंने वहाँ के मेन रूलर को ही हरा दिया तो उनकी जो वेस्टर्न बाउंड्री थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अप टू द अरेबियन सी. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ाती हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोग मैप्स देखते हैं साथ साथ में. ये हमारा इंडिया है, थोड़ा सा रफ मैप मैंने बनाया, तो ऐसा मत बोलना मैं कैसा बनाया, बस ये इंडिया है. ठीक है, ये हमारा अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है. तो यहाँ पे जो गुजरात आता है ना, यहाँ तक उनकी बाउंड्री बढ़ गई थी. ठीक है, तो पूरे अरेबियन सी तक
उनकी बाउंड्री हो गई थी, जितने गुजरात के पोर्ट्स थे उनके अंडर आ गए, ठीक है। सो ही कंट्रोल्ड ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज। अब फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी हैं? ये सारी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन सब कंट्रीज के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया, इधर इन गुजरात के जो पोर्ट्स थे इनके थ्रू यहाँ से ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाउ सो ही कंट्रोल ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज। उज्जैन बिकेम इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी। उज्जैन जो है एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बन गया। कमर्शियल समझते हैं जहाँ से व्यापार होना स्टार्ट होता है ना, आप कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया था। नाउ वेस्ट, वेस्ट जो वेस्टर्न पार्ट था वर्ल्ड का, वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि बंगाल का फाइन कॉटन है, बिहार का इंडिगो, इंडिगो समझते हैं नील है, बनारस का सिल्क है, साउथ के स्पाइसेस और सैंडल है, तो इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, ये स्पाइसेस होगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो सारा इंडिया का सामान है बाहर भेजना है, ठीक है। नाउ इट ब्रॉट टू वेस्टर्न पोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज गोल्ड, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है। तो होता क्या है, मैं आपको यहाँ मैप पे बताती हूँ कि अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि बंगाल का कॉटन, बिहार का इंडिगो, बनारस का सिल्क, ये सारी चीज़ें, इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी इन सारी कंट्रीज़ में, तो यहाँ से उसका व्यापार होने लगा। अब वो लोग बदले में पैसा तो देंगे, तो वो पैसा नहीं, वो क्या देते थे, गोल्ड, गोल्ड देते थे। इसी वजह से जो गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनके पास सोना बहुत ज्यादा था। आप देखेंगे सबने गोल्ड के कॉइन्स छपवाए हैं, करवाए हैं इशू, है ना। सो चंद्रगुप्त टू इशूड अ वैरायटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारी तरह के अलग अलग वैरायटी के गोल्ड कॉइन्स जो है वो इंडिया में इशू करवाए थे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अभी आगे और भी है थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाहियान का विजिट है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो वो कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ एक पॉइंट और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, ठीक है। 10 से 15 पॉइंट्स, समटाइम्स 17-18 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। तो मैं एक दो वेबसाइट्स है मेरे पास और एक दो एप्लीकेशन है, तो वो वेबसाइट्स मैंने फिक्स रखी हैं, वहीं से कुछ पॉइंट्स लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं वहाँ से, तो जो भी बेस्ट न्यूज़ होती है वो मैं अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। तो अगर आप देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ने पड़ेंगे, मैगजीन से तो कुछ नहीं चलने वाला आपका काम, बेशक मैगजीन पे पढ़िए छोड़िए मत, पर आपको डेली भी तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा ना, न्यूज़पेपर में तो वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो उस केस में आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, वहां से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फाहियान्स विजिट। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर देखिए इतना कुछ है इनके बारे में पढ़ने के लिए, हम स्किप तो नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा कि हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया और उसमें से कोई क्वेश्चन आया हम कर नहीं पाए, है ना। तो हमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे, बाकी फिर भगवान भरोसे, है ना। चलिए फाहियान्स विजिट पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया चाइनीज पिलग्रिम थे जिस टाइम वो इंडिया आए थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे थे। तो ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू रियान, इनके शासन के टाइम पे ये आए थे, ये हमने पढ़ लिया। इंडिया में वो टोटल 9 साल रहे थे, जिसमें से 6 साल वो गुप्त एम्पायर में रहे थे, और वहाँ पे कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे, चंद्रगुप्त टू। नाउ मेन पर्पस, अब ये आए हैं चाइना से तो इनका कुछ उद्देश्य होगा, एम होगा कि क्यों आए थे, टू सी द लैंड ऑफ बुद्धा एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब देखिए इंडिया को जो है लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता था, बुद्धिज्म जो है, ये धर्म जो है इसका ओरिजिन जो है इंडिया में है। हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, जैनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा, है ना। नाउ तो जो लैंड ऑफ बुद्धा थी इसे देखने आए थे और बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यहाँ से ले जाने आए थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, समथिंग विच इज़ रिटन बाय हैंड, ठीक है। नाउ अकाउंट्स, अब इन्होंने बहुत सारे वैल्यूबल अकाउंट्स अपने पीछे छोड़ गए यहाँ पे, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑन रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्त एम्पायर। जो गुप्त एम्पायर थे, जितने भी शासक थे या जो भी इन्होंने देखा अपने आसपास, धर्म के बारे में, सामाजिक कैसा इशू है, कंडीशन है, आर्थिक रूप पे क्या कंडीशन है, इस सब के अकाउंट्स ही साथ में छोड़ के गए हैं। अब इनके हिसाब से, यहाँ मैंने इंडिया का मैप बनाया, प्लीज़ ऐसा मत बोलना मैम ऐसा है वैसा है, मैंने रफ सा बना दिया है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों की। तो इनके हिसाब से जो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था ना, ये मैंने बनाया यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इट वाज ऑफ इन फ्लोरिशिंग कंडीशन, मतलब बुद्धिज्म की फ्लोरिशिंग कंडीशन में था, यहाँ पे बुद्धिज्म पनप रहा था। लेकिन जो ये गैंगेटिक वैली थी, इसको उन्होंने कहा लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म, मतलब यहाँ पे ब्राह्मण या पंडित या हिंदू वाला ज्यादा धर्म चलता था। गैंगेटिक वैली आप समझते ना, गंगा नदी के तट पे उत्तराखंड, यूके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन बे ऑफ बंगाल, ये सब पढ़ चुके हैं हम, है ना, बांग्लादेश से भी बहती है। तो इनके गंगा नदी के आसपास का जो भी एरिया है वो सारा गैंगेटिक वैली में आता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है,
सो इसे लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म कहा गया। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि बुद्धिज्म इज इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, यहाँ पे बुद्धिज्म को नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत अच्छी कंडीशन में, फ्लोरिशिंग कंडीशन में। तो ये फा हियान के व्यूज थे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, अब फा हियान के हिसाब से गुप्त एम्पायर वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस एम्पायर, बहुत धनी, बहुत कह लीजिए कुशल मंगल एम्पायर था, ठीक है, प्रॉस्पेरस एम्पायर था, धनी एम्पायर था। हिज इंटरेस्ट, अब वो इंडिया आए तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, क्या पॉलिटिकल अफेयर्स में था? नहीं, राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका जो इंटरेस्ट था वो था रिलीजन में, रिलीजन समझते हैं धर्म में, यानी कि वो बुद्धिज्म का प्रचार भी नहीं, बुद्धिज्म का देखने आए थे कि लैंड ऑफ बुद्धा कैसी है, यहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेने आए थे, यहाँ पे रिलीजियस कंडीशंस देखने आए थे, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो धर्म में था। बहुत बड़ी बात है ये जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट ही डिडंट मेंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू एनीवेयर, कहीं भी उन्होंने अपने अकाउंट्स में चंद्रगुप्त टू का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बहुत बड़ा। चलिए इसी के साथ हमारा जो चंद्रगुप्त टू टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। आई नो आप बोर हो गए होंगे, काफ़ी लंबा वीडियो था, पर देखिए आपके ही बेनिफिट के लिए था, एक बार आपने नोट्स बना लिए फिर आपको टेंशन नहीं है, कहीं से एक आधा पॉइंट मिला एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पर लिख दिया, और आपको कुछ खास पॉइंट्स मिलेंगे नहीं इसमें, है ना। चलिए अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी बिजी है, नोट्स आने का टाइम नहीं है, तो उस केस में अच्छा होगा कि आप नोट्स परचेज करें, साथ में उन्हीं नोट्स से मैंने अपने YouTube वीडियोस पे पढ़ाया है, तो कहीं भी आपको डाउट रह रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप वीडियोस देख सकते हैं, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।